बड़ी खबर इस बीच ग्वालियर से आ रही है। जयरोग्य हॉस्पिटल में भीषण आग लग गई है। ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में भीषण आग लगी है। आईसीयू में वेंटिलेटर पर थे सभी 10 मरीज। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। जयरोग्य हॉस्पिटल में भयानक और भीषण आग लग गई है, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट सर्किट की वजह से। ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में भीषण आग लगी है और 10 मरीज वेंटिलेटर पर थे। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बड़ी खबर इस बीच ग्वालियर से आ रही है। जयरोग्य हॉस्पिटल में भीषण आग लग गई। ग्वालियर के जयरोग्य हॉस्पिटल में भीषण आग लगी है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हर तरफ धुआं ही धुआं है और अफरा तफरी का माहौल। सुशील संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुशील, क्या सब कुछ ठीक है वहां पर? फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई क्या? सुशील से संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा साधने की कोशिश करेंगे। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, ग्वालियर के जयरोग्य हॉस्पिटल में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। हालांकि लगातार आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अस्पताल में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि आईसीयू में 10 मरीज भर्ती थे, वेंटिलेटर पर थे। हालांकि उनको फौरन से निकाल दिया या नहीं, ये अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल बड़ी खबर आ रही है ग्वालियर से। ग्वालियर के जयरोग्य हॉस्पिटल में आग लग गई है और आईसीयू वार्ड में आग लगी है, जहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग ने ज्यादा बड़ा रूप ले लिया है। सुशील संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुशील, क्या आग पर काबू पा लिया गया है? क्या कितना नुकसान हुआ है? 10 मरीज भी उसमें भर्ती थे। बिल्कुल, देखिए, ग्वालियर के जयरोग्य अस्पताल के आईसीयू में आग की घटना हुई थी और अभी जो जानकारियां मिली उसके मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है। लगभग 10 मरीज यहां भर्ती बताए गए थे। किसी तरह की कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। अब जो प्रशासनिक अधिकारी है जयरोग्य अस्पताल के, टीम सहित अन्य लोग भी वहां पहुंचे हैं, उन्होंने जायजा लिया। फिलहाल हालात सामान्य बताए जा रहे हैं। उसके बाद किस तरह से क्या आग लगी है, इन सब चीजों की जांच की जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं गंभीर घटना, बड़ा हादसा होने से टला है और अब जो प्रशासनिक अधिकारी भी वहां पहुंच चुके हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है जयरोग्य हॉस्पिटल में, इससे पहले भी कई बार जो आईसीयू वार्ड्स है वहां पर आग लगे हैं। कोरोना काल में भी इस तरीके की घटना सामने आई है। बावजूद इसके शॉर्ट सर्किट को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन हाँ, जल्द से जल्द इसके उपाय जरूर निकाले जा सकते हैं। मरीजों को लेकर क्या अपडेट सुशील? जो 10 मरीज वहां पर भर्ती थे उनको शिफ्ट कर दिया गया है? आप बिल्कुल देखिए, वहां किसी तरह की कोई परेशानी मरीजों को ज्यादा हुई नहीं है, इस तरह का जयरोग्य प्रबंधन का कहना है। और सभी मरीज पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और इसके अलावा निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जयरोग्य अस्पताल जो न्यू बिल्डिंग बनी है उसमें यह आग की घटना गंभीर घटना है। कहीं ना कहीं इसके लिए जांच भी की जाएगी, लेकिन कई बार तकनीकी जो परेशानियां होती है, तकनीकी खामियां होती है, उनके चलते आगजनी की घटनाएं हो जाती है। क्योंकि 1000 बिस्तर का नया जो अस्पताल बना है, कहीं ना कहीं वो अत्याधुनिक अस्पताल है। अब ऐसे में जब घटना हुई है तो इसकी जांच भी की जाएगी, क्योंकि बड़ा हादसा हो सकता था, तो क्या इसमें खामियां रही है, किन परेशानियां रही है, उन सब की जांच जो है अस्पताल प्रबंधन की तरफ से भी की जाएगी। लेकिन राहत की बात यही है, अस्पताल प्रबंधन की तरफ से बताया गया है कि इसमें किसी तरह की कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। ठीक है, ट्रॉमा सेंटर में यहाँ पर आईसीयू में जो ये आग लगी शॉर्ट सर्किट की वजह से, क्या जरूरत पड़ी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी बुलाने की, या फिर जो सुरक्षा के मानक वहां पर मौजूद थे, फायर सेफ्टी के उपकरण जो वहां पर थे, उनसे काम चल पाया? अब बिल्कुल देखिए, वहाँ फायर सेफ्टी के जो उपकरण है वो माकूल है। सारे जो संसाधन है वो जयरोग्य अस्पताल जो नई बिल्डिंग है उसमें है, लेकिन एहतियात के तौर पर फायर ब्रिगेड की टीमों को भी सूचित किया गया था, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बड़ा हादसा टला है। ठीक है, मौके पर तो सुशील से हमारा संपर्क टूट गया है और हालांकि तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली। देखिए, ये आईसीयू है और यहाँ पर 10 मरीज वेंटिलेटर पर थे, लेकिन कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है, उन्हें फौरन से शिफ्ट कर दिया गया है और जो भी सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर उपकरण थे, फायर एक्सटिंग्विशर और सैंडबॉल्स, इनका इस्तेमाल किया गया और जल्द से जल्द आग को बुझाया गया। फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो अस्पताल प्रशासन की तरफ से किया गया और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन धुआं देखिए, धुएं का गुब्बार है,
अगर समय रहते आग नहीं बुझाया गया होता तो कोई बड़ा हादसा जरूर हो जाता, लेकिन समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन बावजूद इसके जांच पड़ताल की जाएगी कि आखिर एग्जैक्टली क्या शॉर्ट सर्किट ही वजह है। ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में भीषण आग लगी और उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली। सिक्योरिटी गार्ड्स और तमाम जो हॉस्पिटल के सिक्योरिटी में तैनात गार्ड्स हैं वो यहां पर मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद फटाफट से आग को बुझाया गया है। जितने भी सीरियस केस में वेंटिलेटर पर मरीज थे उनको शिफ्ट किया गया। और चलिए एक नजर सुपरफास्ट